प्रोग्राम मेरे को न्याय मिले, मेरे लड़के की हत्या की गई है खारिया गांव में और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, उनको मेरे को न्याय मिलना चाहिए। आप मेरा बेटा था, बजाय वो ठेका लिया है उसकी वजह से उन्होंने रंजिश रखी है, उसकी वजह से किया गया है सारा। तो कितने लोग इस पूरे मामले में? इसमें कम से कम 10-15 लोग शामिल हैं। तो कितने पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किए हैं या पुलिस की क्या कार्रवाई? 4-5 आदमी गिरफ्तार किए, कोई वो ज़्यादा नहीं किए, बाकी फरार घूम रहे हैं सारे 9-10 आदमी। मेन मुलजिम वो तो बाहर ही घूम रहे हैं अभी तक, उनके साथ हथियार भी है और उसको मारने की मेरे को धमकी भी दे रहे हैं, वो क्या बता कब मार देंगे। तो मैं ही हूँ उसी में। विदेश भागने की भी सुराग है, मिली है हमें कि विदेश भागने का पवन का विचार है कि विदेश चला जाएगा। बाकी कोई जो उसके अब आप मिले हैं पुलिस अधिकारी से? हाँ, और जो वहाँ के सबूत है पुलिस वो भी नहीं ली अभी तक। अब आप पुलिस अधिकारी से मिले हैं? हाँ, पुलिस अधिकारी से हम मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखो हम एप्लीकेशन दे दिए, हम करेंगे कार्रवाई करेंगे, एस पी साहब आ जाएंगे, उनके नॉलेज में मैं देता हूँ। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी। वो तो हम बार बार जाते हैं, एस एच ओ साहब कुछ नहीं कहते कि एक जने नहीं मार के डाल दिया, एक आदमी को मार के डाल सकता है क्या? मैं मृतक के चाचा का लड़का हूँ और आज लगभग 12-13 दिन हो गए जो राजेंद्र राजू खारिया में जो मर्डर हुआ है, अभी तक पुलिस की कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं लग रही है। इसीलिए हम आज एस पी साहब के पास आए हैं ताकि जो मुलजिम है मेन उनकी गिरफ्तारियां की जाए, और हमें भी लगता है कि वो जिस तरह के मुलजिम हैं और अपराधी हैं तो वो हमें जान माल का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और इसलिए यहाँ एसपी साहब से उनकी गिरफ्तारी से लेकर गुजारिश की है जल्दी से जल्दी जो उनकी गिरफ्तारियां की जाए। कौन है सर मुख्य आरोपी और गिरफ्तारी क्यों? मुख्य आरोपी इसमें जो साजिश करता है वो पवन उर्फ वीरेंद्र सारण मोटापनी वाला था, और इन्होंने मिलके हत्या से पहले उन्होंने साजिश की है और उसके बाद में वारदात को अंजाम दिलवाया गया है। इसमें कुछ अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मेन जो है वो अभी बाहर ही घूम रहे हैं। वजह क्या मानते हैं गिरफ्तार ना होने की? इसमें अलग अलग नजरिया है, कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और में सब आज के टाइम में सब समझदार है कि क्या हो सकता है। नहीं, काम क्या करता था सर? पवन काम क्या करता है? ठेकेदारी का काम था उसका, ये जो खारिया सर्कल था पहले उसी के पास था, अब की बार ये राजेंद्र राजू ने लिया था, उसी को लेकर ये सारा मामला हुआ है। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? पवन की गिरफ्तारी हो? पवन की गिरफ्तारी को लेकर हम सभी अधिकारीगण से मिले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारियां होगी।